सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अग्निवीरों की भर्ती के पीछे सरकार के दावे क्या हैं। सरकार ये कहती है कि हमें पूरे देश भर के युवकों में एक डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है। यानी सरकार का मानना है कि देश के युवक अनुशासित नहीं है। सेना में जाएंगे, ट्रेनिंग होगी, तो जैसे सैनिकों के ऊपर से आदेश आते हैं और सारे सैनिक उनके आदेश को आंख बंद करके मानते हैं, इस तरह का अनुशासन देश के हर युवक में होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। दूसरी बात, सरकार कहती है कि हमें युवकों को डायनेमिक बनाना है, मतलब क्रियाशील बनाना है, मतलब उनका निकम्मापन या आलसपन ये सब खत्म हो जाएगा, सेना की ट्रेनिंग मिलेगी तो सब क्रियाशील हो जाएंगे। तीसरी बात, सरकार जो कहती है कि वो मोटिवेटेड होंगे, मतलब ये है कि उनके अंदर एक दृष्टि डाली जाएगी, एक सोच पैदा की जाएगी कि देश के प्रति या जो भी सरकार की नीतियां होंगी, सरकार की प्लानिंग होगी, इस तरह की सोच उनको ट्रेनिंग के दौरान डाली जाएगी, तो अब उनके मन में एक सपना होगा, अब वो सपने के साथ जिएंगे, अभी बिना सपना के साथ जी रहे। चौथी बात जो सरकार ने कहा है वो ये कहा है कि हम जिस तरह के देश के युवकों को देख रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर लेते हैं, कभी कभी ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती, कोई कौशल नहीं होती, कोई कारीगरी नहीं होती। तो कम से कम हम अब उनको सुरक्षा की कारीगरी पैदा कर देंगे, एक कला पैदा कर देंगे, एक काबिलियत पैदा कर देंगे, एक योग्यता पैदा कर देंगे कि कम से कम वो हथियार चला पाएंगे। अब वो कम से कम कभी सरकार को जरूरत होगी तो देश की सुरक्षा में उनको कभी भी भुला करके लगा सकते हैं, लगा पाएंगे, और इस योग्यता का लाभ उठा करके, इस काबिलियत का फायदा उठा करके वो बाजार में जाएंगे, कंपनियों के पास जाएंगे और अपनी नौकरी मांगेंगे, तो उनको सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। इस तरीके के दावे सरकार के हैं। सरकार का ये भी कहना है कि इससे हम बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे पाएंगे। सरकार तो एक और बड़ा दावा कर रही है कि हम इससे जो भारत के सैनिकों की औसत उम्र है उसे घटा पाएंगे। तो इस तरीके से सरकार के अपने दावे हैं, उनका ये कहना है कि इससे हमें बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक मिल जाएंगे लड़ने के लिए, कभी देश पर आपदा आएगी, कोई बात होगी, खतरा पैदा होगा, तो हम इन सभी सैनिकों का उपयोग कर पाएंगे। हालांकि सरकार इनको सैनिक कहने से बच रही है, इनको सैनिक न कहना पड़े, इसीलिए इनका नाम सरकार ने अग्निवीर रखा है। सरकार ये दावा भी कर रही है कि हम तो युवकों के लिए फ्री में मदद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि युवक पढ़ लिख करके या फिर बिना स्किल के, बिना योग्यता के, बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी कारीगरी के, बिना किसी कला के बैठे रहते हैं, इससे अच्छा कि हम 17 साल से 21 साल की उम्र में उनको काबिलियत दे रहे हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हथियार चलाना सिखा दे रहे हैं, और उसके बाद उनको फ्री कर रहे हैं, उनको रिटायर कर रहे हैं। अब वो चाहे पढ़ना चाहें तो पढ़ें, 21 साल की उम्र तो ऐसी होती नहीं, पढ़ाई बंद हो जाएगी, आगे पढ़ना चाहें वो और आगे पढ़ें, अगर उन्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी करनी है तो जाएं वहां करें, किसी प्रदेश सरकार की पुलिस की भर्ती निकलती है तो उसमें आवेदन करें, जाएं भर्ती लें, अर्धसैनिक बलों की भर्ती होती है तो उसमें जाएं आवेदन करें, भर्ती करें। सरकार ये कह रही तो हम तो युवकों को बिना शर्त मदद ही कर रहे हैं, इसमें हम कुछ ले नहीं रहे। उनका ये भी कहना है कि भाई 40 साल की नौकरी, 20 साल की उम्र भर्ती करें और 60 साल में रिटायर करें। 40 साल की नौकरी कर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 4 साल की नौकरी तो दे रहे हैं, इसमें भी कुछ ले तो नहीं रहे, दे ही रहे। उनका गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि हम इससे बेरोजगारी की समस्या का हल कर रहे हैं, अगर हम युवकों के इस तरह से प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो उनको रोजगार कहाँ मिलेगा। उनका यह भी कहना है कि जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ट्रेनिंग होगी, सुरक्षा के कला आप जानते होंगे, तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए, वहां पर आवेदन करिए और सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए, कुल मिलाकर जिंदगी चलने का रास्ता खुल जाएगा। इस तरीके के तमाम बातें, तमाम दावे और फायदे सरकार देश के युवकों को गिना रही है, देश को गिना रही है। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो सरकार अग्निवीरों की भर्ती के लिए फायदे गिना रही है उसमें कितना दम है। सबसे पहली बात, सरकार ये कह रही है कि हम अनुशासित बनाएंगे। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? मतलब सरकार सेना में जिन लोगों को भर्ती कर लेगी, सैनिक ट्रेनिंग दे देगी, अनुशासित बना देंगे। इसके फायदे भी होते हैं, इसके बड़े नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आप अगर देश के अधिकांश युवकों को यह अपॉर्चुनिटी दे दीजिए कि वो अग्निवीर बन जाएं और अग्निवीर बनने के बाद सेना की ट्रेनिंग ले लें
और सेना की ट्रेनिंग में उन लोगों के दिमाग को अपने ढंग से सोचने की शक्ति खत्म कर दिया जाए, केवल बॉस के ऊपर वाले का आदेश मानना ही उनकी व्यक्तित्व बन जाए, यानी एक रोबोट बन जाए, एक मशीन बन जाए। क्या इस तरह की वर्कफोर्स देश के युवकों को इस तरह के ऊपर के कमांड पर बिना सोचे समझे उनके कमांड मान लेना, इस तरह के जवानी देश की इस तरह की युवा पीढ़ी तैयार करने से देश का नुकसान होगा कि फायदा होगा? कुल मिलाकर के अगर ऐसा वास्तव में सरकार ने सोच लिया और करने की ठान लिया तो देश की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, उत्पादकता खत्म हो जाएगी, देश में दृष्टि संपन्न यूथ मिलने मुश्किल हो जाएंगे, सब रोबोट बन जाएंगे, एक भेड़ों का भीड़ बन जाएगा यह राष्ट्र। इसलिए अनुशासन का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप आर्मी की ट्रेनिंग देके उनको अनुशासन बनाएंगे। अनुशासित करने के और तरीके हैं, उनके अंदर स्वतंत्र दृष्टिकोण पैदा करिए, उनके अंदर पैदावार की अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनके व्यक्तित्व के अंदर जो काबिलियत है उनको अवसर दीजिए कि वो अपने काबिलियत को आगे बढ़ाएं, न कि किसी बाहर के व्यक्ति के आदेश के हिसाब से वो अपनी काबिलियत को कर्टेल करें, काटें, छांटें और एक हैज के घास बन जाएं, जिस प्रकार एक हैज में कैंची से काट करके एक सुंदर सी लॉन बनाई जाती है लेकिन उन पौधों को चारों तरफ से काट दिया जाता है। देश के युवक वो पौधे हैं जिनको जहां भी फैलने का मौका मिले सरकार का काम है उनको अवसर देना, न कि कैंची से काट करके उनको हैज बना। नंबर एक। नंबर दो, सरकार कहती है कि हम दृष्टि बनाएंगे, दृष्टि पैदा करेंगे। दृष्टि पैदा करने के लिए आर्मी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर देश में आप युवकों में दृष्टि पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो दृष्टि पैदा करने के संस्थान पहले से मौजूद हैं। दृष्टि पैदा करने के लिए, कोई भविष्य में राष्ट्र निर्माण का सपना पैदा करने के लिए आर्मी की ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अनावश्यक है। तीसरी बात, आप कहते हैं कि हम क्रियाशील बनेंगे। क्रियाशील मतलब आदमी स्वस्थ रहे, खुश रहे, उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हो, ये काम तो आर्मी की ट्रेनिंग से नहीं हो सकती। क्यों? अगर आर्मी की ट्रेनिंग होगी तो उसका शारीरिक ताकत बढ़ेगी, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी मानसिक क्रियाशीलता भी बढ़े, उसकी आध्यात्मिक क्रियाशीलता भी बढ़े, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्रियाशीलता तो और घट जाएगी। आर्मी की ट्रेनिंग का मतलब इस क्रियाशीलता को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। आप ये कहते हैं कि हम एक वर्कफोर्स बनाएंगे। वर्कफोर्स बनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वर्कफोर्स केवल हथियार चलाने वाले आदमी को ही आप कारीगर कहते हैं, और कोई कारीगरी नहीं है, और कोई योग्यता नहीं है। पूरे देश के लोग केवल हथियार चलाने लग जाएंगे और फिर हर आदमी को कहेगा हथियार चलाओ और हथियार चलाने कला आ गई तो वो वर्कफोर्स होगी क्या? ये तो देश अशांत देश बन जाएगा, एक मिलिटेंट देश बन जाएगा, जहां हर आदमी बंदूक चलाना जानता होगा लेकिन कुछ पैदा करना नहीं जानता होगा। आप ऐसे लोगों को समाज में वापस भेज देंगे? जब आपने ट्रेनिंग दिया था, हथियार चलाना सिखाया था तो उनसे काम लेते, एक उम्र तक काम लेते जब तक वो जवान रहते हैं, लेकिन आपने उनको हथियार चलाकर, चलाने की कला सिखाकर गांव में भेज दिया, वो क्या करेगा? चार साल, पांच साल उसने एक सपना देख लिया कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई थी, अब वो फिर से वापस बेरोजगार हो गया, उसके अंदर कुंठा पैदा होगी, उसके अंदर निराशा पैदा होगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, वह अपने परिवार में विध्वंस करेगा, अपने आसपास विध्वंस करेगा। इसमें अपनी वृत्तियों के हिसाब से बहुत सारे लोग तो आपराधिक गैंग में भर्ती हो जाएंगे, देश में क्राइम फैलने लग जाएगा, और अब अभी तक जो अपराधी थे अनस्किल्ड थे, अब तो स्किल्ड क्रिमिनल होंगे, और ये स्किल्ड क्रिमिनल से निपटना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर हो जाएगी। और सरकार एक फायदे और गिना रही है, वो ये कह रही है कि हम देश का पैसा बचा रहे हैं, पेंशन में नहीं देना पड़ेगा। अभी लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम सेना पर खर्च करने की बात सरकार ने कहा है, और ये कहा है कि उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम केवल पेंशन पर जा रही है, और ये फालतू का खर्चा है, ये बचना चाहिए। अगर अग्निवीरों की भर्ती हो रही है और 15 साल नौकरी करेंगे और फिर रिटायर होंगे, उनको पेंशन मिलेगी, तो और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि हम देश का पैसा बचा रहे हैं, इस बारे में हमें समझ लेना चाहिए।
कि देश का पैसा क्या है। क्या देश के सैनिकों के घर में पैसा चला जाए तो वो विदेश चला जाता है? जो आदमी कल तक अपनी जान पर खेल करके जवानी देश को दे दिया और उम्रदराज होकर के घर बैठ गया, अब उसके घर में अगर सरकार के खजाने से कुछ पैसा जा रहा है तो क्या विदेश के खाते में जा रहा है? क्या देश के सैनिक देश नहीं है? देश के सैनिकों के घर में जाने वाला पैसा देश का नुकसान करता है? आखिर वो पैसा ले जाते हैं तो जला तो देते नहीं, वो भी तो बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, उद्योग के सामान टेलीविजन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं। आखिर जो खरीदते हैं तो वो पैसा फिर तो अर्थव्यवस्था में ही आता है, देश में ही आ जाता है, फिर वो सर्कुलेट होकर के घूमने लगता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि देश के सैनिकों के पास जो पैसा जा रहा है, देश के लोगों के पास जो पैसा जा रहा है, वो देश के काम नहीं आ रहा है? यानी क्या देश के लोग देश में नहीं होते, या देश के लोगों के घर में गया हुआ पैसा देश का पैसा, देश के काम आया हुआ पैसा नहीं माना जाता? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार का वही दृष्टिकोण है जिसको वो राष्ट्रवाद कहती है, यानी अरबपतियों के घर में पैसा जाए तो समझो देश के काम आया, और अगर देश की जनता के घर में पैसा जाए तो समझो देश का पैसा बर्बाद हो गया। ये जो नकली राष्ट्रवाद है, इससे सरकार को उबरने की कोशिश करना चाहिए। ये राष्ट्रवाद नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही सोच है, और अब इस पर चाहे हिंदूवाद कहो, चाहे राष्ट्रवाद कहो, किसी भी नाम पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये बात किसी को हजम नहीं हो सकती। एक बात और जो नहीं हजम हो रही है, सरकार कह रही है कि अग्निवीर लोग 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद पुलिस में नौकरी पाएंगे, अर्धसैनिक बलों के CRPF की भर्ती होगी तब नौकरी पाएंगे। भाई ये समझना चाहिए कि अगर वो नौकरी पाएंगे किसी प्रदेश की पुलिस में तो उन लोगों को हटा देंगे जो उस प्रदेश वाले भर्ती होने वाले थे। यानी ऐसा तो है नहीं कि हाँ जिस प्रदेश के अग्निवीर हैं वो सारे अग्निवीर ट्रेनिंग लेने के बाद अनिवार्य रूप से उस प्रदेश की पुलिस में भर्ती कर दिए जाएं। अगर अग्निवीर के नोटिफिकेशन में ये प्रोविजन आ जाए तब तो ठीक भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए रोजगार बढ़ रहा है, अगर कोई आदमी अग्निवीर बना और अग्निवीर की ट्रेनिंग लिया, नौकरी किया 4 साल की, और फिर वो जाकर के किसी स्टेट पुलिस में भर्ती हो गया, तो भर्ती होने के बाद वो किसी को हटा दिया तो रोजगार कैसे बढ़ा? रोजगार तो नहीं बढ़ा। इसी तरह से जब कोई अर्धसैनिक बल में जाके भर्ती हो गया अग्निवीर, तो उसने किसी दूसरे को हटा दिया, फिर रोजगार कहां बढ़ा? उसने तो किसी दूसरे की जगह कब्जा कर ली, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त रोजगार तो लगाए नहीं। ये तो नहीं कहा कि हां प्रदेश सरकार की जो भर्तियां होती थी पुलिस में, या अर्धसैनिक बलों की जो भर्तियां पहले से होती रही हैं, जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, जो कोटा है, वो वैसे ही चलता रहेगा। अग्निवीरों की भर्ती अलग से की जाएगी अर्धसैनिक बलों में, अग्निवीरों की भर्ती अलग से की जाएगी प्रदेश की पुलिस में। अगर ऐसा कुछ प्रोविजन होता तब तो ये समझ आ जाता कि हाँ रोजगार बढ़ेगा, और अग्निवीरों को इसलिए भर्ती किया जा रहा है जिससे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन सरकार के ये जो दावे हैं, सरकार जो फायदे गिना रही है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, ये लोग रिटायरमेंट होने के बाद जाकर के प्रदेश की पुलिस या अर्धसैनिक बल में भर्ती होंगे, ये बात कोई भी आदमी हजम नहीं कर पाएगा। समाज को एक अपराध की तरफ झोंकने का काम ये ट्रेनिंग करेगी। इसलिए जो सरकार दावे कर रही है कि हम वर्कफोर्स पैदा कर रहे हैं, ये गलत है। वर्कफोर्स पैदा करने के लिए कुछ पैदा सिखाइए, कुछ तो उत्पादन हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, खेती का उत्पादन हो, कुछ औद्योगिक उत्पादन हो, और नहीं तो उनके अंदर अपनी अंदर की प्रतिभा के हिसाब से कोई कला विकसित करिए, उनको अवसर दीजिए, अपॉर्चुनिटीज दीजिए। यह तरीका वर्कफोर्स पैदा करने का है, न कि वर्कफोर्स पैदा करने का एक ही तरीका है कि आप सबको बंदूक चलाना सिखा दें और फिर वापस उनके गांव भेज दें। गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें सेना का मनोबल बढ़ेगा क्योंकि सेना की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जो सेना के लोग हैं वो इसको अपमान के रूप में भी देख सकते हैं। सेना की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है, कई वर्षों तक, कम से कम 3 वर्षों तक कठोर ट्रेनिंग होती है। जहां एक आदमी 3 साल तक ट्रेनिंग ले रहा है, अलग अलग वैरायटीज की अलग अलग स्किल सीख रहा है, वहां आप केवल 6 हफ्ते में या केवल 6 महीने में जो ट्रेनिंग देंगे
वो तो इनकम्प्लीट होगी, वो पूरी होगी नहीं। अब इन अग्निवीरों को असली सैनिकों के साथ खड़े कर देंगे तो असली सैनिक भी उनका मॉरल और गिर जाएगा। उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग लेके आया है या 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आया है उसके बराबर खड़ा कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि उसके साथ तुम मिल करके युद्ध लड़ो। वो कैसे लड़ेगा? ये संभव नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि सरकार का जो ये दावा है वो लोग, ये देश हजम नहीं कर पाएगा, सैनिक खुद भी हजम नहीं कर पाएंगे। कंसेप्चुअल मामला है जो सैनिक ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है कि सेना में नौकरी करना ये मतलब नहीं कि आप रोजगार के लिए यहां आए हो। रोजगार तो अपना परिवार चलाना, पैसा कमाना, ये तो इस पूरी नौकरी का बड़ा छोटा सा हिस्सा है। असली बात यह है कि सैनिक को यह बताया जाता है, उसके मन में यह बात भरी जाती है कि आप देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने आए हो। आप अगर, आपकी मुस्तैदी कमजोर पड़ी तो करोड़ों लोगों पर हमला हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। इसलिए वो केवल पैसे के लिए या केवल रोजगार के लिए सेना में भर्ती नहीं होता। और अगर किसी की ये नियति है कि वो केवल पैसे के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए सेना में चला गया तो उसके दिमाग को वॉश करना, उसके दिमाग को माइंड वॉश करना सेना की ट्रेनिंग का काम होता है। वहां जाके वो समझ पाता है कि हम कोई परिवार चलाने के लिए नहीं आए बल्कि देश को बचाने के लिए आए हैं। अब ये जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत एक सैनिक का, वो अग्निवीरों की जो कंसेप्ट है, अग्निवीरों की भर्ती की जो सोच है, वो नुकसान पहुंचा रही है। यानी अग्निवीरों की भर्ती का पूरा मामला रोजगार केंद्रित है, एक तरह के लोगों के एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश है। ये कहा कि आप भारत के सैनिकों के साथ थोड़े दिन रह लीजिए, उसके बाद बाहर जाकर के कहीं नौकरी करिए। अगर आप ये कहते हैं कि जो लोग ट्रेंड हो गए, प्रशिक्षित हो गए और अब भविष्य में जब सेना पर कोई आपदा आएगी, देश पर आपदा आएगी और हमें ज़्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, तो आप अग्निवीरों को पूरे देश भर के गांव-गांव से बुला लेंगे, आप क्या समझते हैं कि वो सैनिक की भूमिका निभा पाएंगे? ये संभव नहीं है। हर चीज़ का एक माहौल होता है। पहले तो उनकी ट्रेनिंग बहुत कम है, दूसरी बात ये बहुत कम दिनों तक वह सरकारी नौकरी कर पाए यानी सेना के साथ रह पाए, तीसरी बात यह है कि जब उनका पैसा बंद हो जाएगा तो उनके अंदर का जो जज्बा था, जो उत्साह था, वो गिर जाएगा। चौथी बात ये कि अपने रोजगार के लिए वो किसी कंपनी मालिक के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे और ये कहेंगे कि साहब हमें 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की नौकरी दे दीजिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आप दिन को दिन कहेंगे तो हम दिन कहेंगे, आप दिन को रात कहेंगे तो हम रात कहेंगे। यानी वो गुलामी करेगा। जो व्यक्ति कंपनी में 10 साल, 15 साल, 20 साल गुलामी कर लिया, सिक्योरिटी की नौकरी कर लिया, आप ये सोचते हैं कि जब देश पर आपदा आएगी तो इन गुलामों से आप उम्मीद करेंगे कि चूंकि गोली चलाना जानते हैं, बंदूक चलाना जानते हैं, इनसे देश की सुरक्षा करवाएंगे और देश के सैनिकों के साथ इनको खड़ा कर देंगे। ये केवल कल्पना है। सरकार ऐसे दावे कर सकती है लेकिन ऐसे दावे देश के लोग हजम नहीं करेंगे। खुद भारत का एक भी सैनिक इसे हजम कर पाएगा, मुझे संदेह है। इतिहास के अनुभव ये बताते हैं कि इस तरह से जब आप विशेष अधिकार देते हैं, स्पेशल राइट्स देते हैं कि कुछ लोगों को सरकारी अधिकारी निकाल दें और कुछ लोगों को रख लें, तो उसमें रिश्वत चलती है, भ्रष्टाचार होता है, सिफारिश चलती है, इसमें सांप्रदायिकता चलती है, भाई भतीजावाद चलता है, भेदभाव चलता है, तमाम तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस, तमाम तरह के गलत रास्ते अख्तियार किए जाते हैं कि हमारे आदमी को नौकरी से ना निकाला जाए और दूसरे को निकाल दिया जाए। तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको बड़े आराम से ये मौके मिलेंगे कि उनसे कहा जाएगा कि भाई गांव-गांव भेजो कि जो अग्निवीर भर्ती हुए हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनको 25% में डाल दिया जाए और वो 15 साल तक नौकरी कर पाएं, और जो सत्ताधारी पार्टी के परिवार से नहीं है यानी सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देते, उन लोगों को 75% वाले कोटे में डाल दिया जाए और ये कह दिया जाए कि वो अयोग्य हैं। ये काम बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अपने ही कैडर के
कार्यकर्ताओं के नेताओं के सिफारिश को क्यों नहीं मानेगी, मानने से मना नहीं कर पाएगी, चूंकि टेम्परेरी पोस्ट है तो बड़े आराम से ऐसा हो पाएगा। कुल मिलाकर के इससे एक गलत परंपरा बनेगी, इसमें सांप्रदायिकता चलेगी। ये कहा जाएगा कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं वो वोट नहीं देते, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं क्रांतिवीर के रूप में भर्ती हो गए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, 75% के कोटे में डाल दिया जाए, और जो अल्पसंख्यक नहीं है उनको 25% के कोटे में डाल दिया जाए। ये बात भी होगा कि लोगों को कहा जाएगा कि भाई सांप्रदायिकता नहीं, जातिवाद भी चलेगा। ऐसी वकालत करने वाले भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो ये कहने लगेंगे कि साहब हिंदू राज आ गया, अब तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र में लड़ने का अधिकार, सैनिक बनने का अधिकार केवल एक जाति को है, एक बिरादरी को है, बाकी बिरादरी बाकी जाति वाले सेना में क्यों रहेंगे, ये प्रश्न उठा जाएगा। अगर बाकी बिरादरी वाले भी सेना में रहेंगे तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र, ये सवाल उठने लगेंगे, और सरकार को सरकार के ही लोग कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देंगे कि आप अपना वचन निभाइए, हिंदू राज चालू करिए, राम राज चालू करिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, और जिस बिरादरी को सैनिक का काम करने का अधिकार हमारे धर्म में कहा गया है वही बिरादरी के लोग सैनिक बनेंगे, वही बिरादरी के लोग अग्निवीर बने रहेंगे, बाकी लोगों को अगर भर्ती हो भी गई है तो उन्हें 75% के कोटे में डाल के निकाल दीजिए। ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न न्याय की गुंजाइश थी, अगर सेना में आरक्षण होता, लेकिन आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है, न तो SC ST को कोई रिजर्वेशन आर्मी में मिलता है, न OBC के कोई रिजर्वेशन आर्मी में मिलता है। इसकी वजह से एक भारी पहले से अनरेस्ट है, एक असंतोष है। ये कहा जाता है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको सेना में भर्ती नहीं होने दिया जाता है, उनको पक्षपात किया जाता है, उनको जब वो भर्ती होने के लिए जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आरक्षण सरकार ने दिया होता तो कम से कम ये विश्वास बना होता SC ST का, OBC का, कि सेना में उनके भी लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ कभी आपदा आई तो जुल्म नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये विश्वास पिछड़े वर्गों का नहीं है, ये विश्वास अनुसूचित समाज का नहीं है, और जो वर्तमान सरकार है जिस प्रकार तमाम तरीके से साम दाम दंड भेद, तमाम कूटनीति और रणनीति बना के कोई तरीके निकाल के OBC का आरक्षण खत्म कर रही है, SC ST के आरक्षण की संभावनाएं घटा रही है, उससे जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित समाज है, वो इस सरकार पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास पहले ही सरकार खो चुकी है। अब जब अग्निवीरों की भर्ती होगी और 25% लोगों को लिया जाएगा, 75% लोगों को बाहर निकाला जाएगा, तो ये असंतोष और बढ़ेगा। ये कहा जाएगा कि भाई इसमें केवल जनरल लोगों की भर्ती होगी, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कह करके कि भाई तुम अयोग्य हो, नाकाबिल हो, पिछड़े हो, और तमाम तरह के एलिगेशंस आरोप उन पर लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज आपने महसूस किया होगा इसी विश्वास के खतरे के कारण, ये जो सरकार में सेना में अविश्वास है पिछड़ों का, सरकार में सेना में अनुसूचित समाज का जो अविश्वास है, इसी वजह से आप तमाम जगहों पर सुन रहे होंगे अहिर रेजिमेंट का आंदोलन चला रहा है। एक बिरादरी है, अहिर बिरादरी कहती है मेरी रेजिमेंट बनाइए, जब जाट रेजिमेंट हो सकती है, राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती, वो मांग उठा रहे हैं, आप पूरे देश भर में देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है इस मुद्दे पर, आप उनको देखिए देखा, अब कुर्मी समाज भी कहेगा भाई कुर्मी रेजिमेंट होना चाहिए, मौर्य समाज कहेगा मौर्य रेजिमेंट होनी चाहिए, अनुसूचित समाज कहेगा अनुसूचित रेजिमेंट होनी चाहिए, SC रेजिमेंट होनी चाहिए, ST रेजिमेंट होनी चाहिए, कुल मिला के इस तरह की मांग सेना में फैलेगी। तो आप ये जो लोगों को पहले भर्ती करेंगे, फिर 75% लोगों को बाहर निकाल देंगे, और फिर 25% लोगों को लेंगे, ये नीतिगत रूप से ही गलत बात है। या तो आप 100% लोगों को भर्ती करिए और उनको पूरे टेन्योर तक काम करने दीजिए, या फिर अगर आप ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल बाद निकाल रहे हैं तो 100% लोगों को बाहर निकाल दीजिए, जैसे फिर नए सैनिकों की भर्ती होती है वैसे करिए। लेकिन यह जो आपने प्रोविजन रखा है, यह तमाम कॉम्प्लिकेशन, तमाम समस्याएं पैदा करेगा भविष्य में, इसलिए ये
मान के चलिए कि सरकार ने ऐसे पहलुओं पर गहराई से बिना सोचे जल्दबाजी में आनन फानन में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बेरोजगारों को लुभाने के चक्कर में उन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया और वो शिगुफा को देख करके देश के युवक परेशान हैं, उनका भविष्य खतरे में दिख रहा है, देश की शांति व्यवस्था खतरे में फंसती चली जा रही है और खुद सरकार के लिए ये मुसीबत बन सकती है।